वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आपको दिख रही है बहुत सारी वेजिटेबल, तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल कट करके रखी है, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। जी हाँ, पाव भाजी बिल्कुल अलग अंदाज में, जो मैं हमेशा बनाती हूँ और मेरे घर पे सबको पसंद आती है, तो वो ही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर हमने दो आलू को कट करके रखा है, यहाँ पर मैंने लिया है कद्दू, इसको भी मैंने कट करके रखा है, और ये लिए मैंने गाजर, गाजर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, दो गाजर ली है मैंने, और यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्ची, आधी शिमला मिर्च लिया है, इसको भी बारीक कट गया है, और ये मैंने एक प्याज है, इसको भी कट कर लिया, और यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये लिया है मैंने बीट रूट, तो आधा बीट रूट लिया है मैंने, यानी कि चुकंदर, इससे हमारी भाजी में कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने बीट रूट लिया है, और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का मैंने बारीक पेस्ट कर लिया है, और मैंने यहाँ पर लिया है एक ट्विस्ट, जो प्रोटीन से भरपूर होगी हमारी पाव भाजी, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आधी छोटी कटोरी मूंग, ये मैंने हरे मूंग है जिनको मैंने भिगोकर रख दिया था रात भर के लिए, यही मैं पाव भाजी में डालती हूँ, तो इससे हमारी पाव भाजी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं आधी छोटी कटोरी मटर, ये फ्रोजन मटर है, और मैंने इसमें, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें गोभी नहीं ली है, क्योंकि गोभी में अलग सी स्मेल आती है, वो पाव भाजी में हमको पसंद नहीं आती है, तो आप मेरे स्टाइल से पाव भाजी बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम पाव भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अमूल का बटर, तो पाव भाजी तो बिना बटर के बनती ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें बटर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हम अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, ना हमको इसको फ्राई करना है, ना कुछ स्पेशल कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल सी पाव भाजी भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। और इसमें हम बीटरूट डालेंगे, धीरे धीरे हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे जो हमने यहाँ पर चॉप करके रख रखी है, फिर प्याज डालूंगी, एक एक करके हम सारी सब्जियां इसमें ऐड कर लेंगे, उसके बाद टमाटर, उसके बाद आलू, फिर हम इसमें कद्दू डाल देंगे, पर मैंने दो गाजर को बारीक काट कर लिया है, से 10 घंटे भिगो के जरूर रखने होंगे, वही डालना, नॉर्मल वाले मूंग नहीं डालना, क्योंकि फिर हमारे ये गलेंगे नहीं, तो ये मैंने 8 से 10 घंटे भिगो कर रखे थे, ये वही मूंग इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद मैं टेस्ट कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है, उसके बाद मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी, फिर हम इसमें डालेंगे, पाव भाजी है तो पाव भाजी मसाला इसमें मैं 3 छोटे चम्मच भरकर डाल रही हूँ, ये मेरा होममेड पाव भाजी मसाला है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, तो अगर आपको देखनी है और अगर आपको ये वाला पाव भाजी मसाला ट्राई करना है, तो ये वाली रेसिपी आप जरूर ट्राई करना। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ना हमें इसमें प्याज की ग्रेवी बनानी है, प्याज टमाटर की, ना कुछ इसमें तड़का भड़का करना है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल की पाव भाजी है, पर इतनी बढ़िया बनकर तैयार होगी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसका कमाल है कि हमने पाव भाजी मसाला होममेड है, होममेड पाव भाजी मसाले में जो हम फ्रेश बनाते हैं उसकी बात ही कुछ अलग होती है। अब हमने सारा मसाला मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें 1 गिलास भरकर पानी डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर अब हम इसको गैस पर रख देंगे, 2 सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पर रख दिया है, अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर लूँगी और 2 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। कुकर का प्रेशर अपने आप ही हमने रिलीज होने दिया है, ये देखिए अब हम सब्जियां देख लेते हैं, सारी सब्जियां हमारी 4 से 5 सीटी में कुक हो गई है, अब हम इसको एक पोटैटो मैशर से सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे, बिल्कुल बारीक मैश करनी है, जितनी आप, अगर बहुत ज़्यादा मैश करनी है तो आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पोटैटो मैशर से आपकी सारी सब्जियां मैश हो जाएगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, भाजी हमारी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब मैं इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। भाजी को हमने एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें बटर डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक लेमन का जूस। तो यहाँ पर मैं एक लेमन डाल रही हूँ इसमें। लेमन से पाव भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई भी कर लेना। मैं अभी आप इसमें एक और ट्विस्ट करूँगी, वो भी इसमें मैं अभी करूँगी, वो आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक लेमन जूस डाल दिया है। अब हम इसको एक फाइनल तड़का लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक तड़का पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा हम इसमें बटर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और पाव भाजी का मसाला। एक चम्मच डाल रही हूँ पाव भाजी का मसाला। उसके बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और ये तड़का जाएगा हमारे जो पैन में पाव भाजी निकाल के रखी है उसमें जाएगा ये तड़का। तो ये वाला तड़का हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पाव भाजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम पाव भी सेक लेंगे। तो चलिए अब हम पाव को सेक लेते हैं, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। चलिए अब हम पाव को सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नॉन स्टिक तवे पर मैं बटर डाल रही हूँ। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट होगा इसमें मैं थोड़ी सी पाव भाजी और पाव भाजी मसाला और धनिया पत्ता डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इससे हम पाव सेकेंगे तो पाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा पाव बनकर तैयार होगा। अब मैं ऊपर से भी बटर इसमें लगा लूंगी। तो आप अगर बटर खाना पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर ये मैं बच्चों को बनाकर दे रही हूँ इसलिए बटर की कंजूसी नहीं कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार होगी। इतनी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी हमारी पाव भाजी बनकर तैयार हुई है। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी जल्दी दे दो जल्दी दे दो। अब हम दूसरी तरफ भी पलटा कर पाव को अच्छी तरह सेक लेंगे। ये हमारे पाव अच्छी तरह सिक गए हैं। तो चलिए अब हम प्लेट तैयार कर लेंगे पाव भाजी की। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी होममेड पाव भाजी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।